इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर जिसमें पानी भरा हुआ है पूरा, और उस सिलेंडर में कोई सॉलिड इंसर्ट कर दिया जाता है, कोई सॉलिड डाल दिया जाता है, और ऐसा करने से उस सॉलिड में से कुछ पानी बाहर निकल के गिर जाता है, और आपको यह कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर कितना पानी रह गया है। चलिए डायग्रामेटिकली समझते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं एक सिलेंडर बनाता हूं, ये एक सिलेंडर है, अब इस सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, और अब मैं क्या करूंगा, यहां पर दिखाऊंगा कि एक सॉलिड इसमें डाला गया है। अब उस सॉलिड के बारे में बात करते हैं, वो सॉलिड कुछ इस तरह का है कि वो नीचे से तो हेमिस्फीयर है पर ऊपर से कोन है, मतलब एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ऐसी उस सॉलिड की शेप है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो जो हेमिस्फीयर है और वो जो कोन है उन दोनों का डायामीटर सेम है, और न केवल उन हेमिस्फीयर और कोन उन दोनों का डायामीटर सेम है, बल्कि उन दोनों का डायामीटर इस सिलेंडर के डायामीटर के भी इक्वल है। मैं आप बताता हूं कैसे। देखिए, ये एक हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, सॉलिड इस तरह से बनाया गया है। तो इस सॉलिड के बारे में क्या क्या बताया है? सबसे पहले तो इस सॉलिड में जो इस सॉलिड को ऐसे बनाया गया कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। दूसरी बात, इस कोन का डायमीटर और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दोनों सेम है, और वो डायमीटर इस सिलेंडर के डायमीटर के भी सेम है, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी बात यह है कि इस सॉलिड की जो टोटल हाइट होगी और इस सिलेंडर की हाइट है वो दोनों सेम है। तो ये सारे डेटा आपको दिया हुआ है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, एक सिलेंडर है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसमें एक सॉलिड डाला गया, काफी सारा पानी बाहर चला गया और कुछ पानी अंदर रह गया। जो सॉलिड अंदर डाला गया वो नीचे से हेमिस्फीयर है, ऊपर से कोन है, उस हेमिस्फीयर और कोन का डायमीटर उस सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है जिसके अंदर वो डाले जा रहे हैं, और इस सॉलिड की जो हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पानी अंदर रह गया है। अब बात करते हैं हम डायमेंशंस की। तो हमें डायमेंशंस दी हुई है, ये जो कोन की हाइट है ये है 120 सेंटीमीटर, ठीक, और ये जो कोन की रेडियस है, जिसे मैं बोल सकता हूं कोन की रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस या इस सिलेंडर की रेडियस, तीनों एक ही बात है, वो है 60 सेंटीमीटर। अच्छा, एक और बात आप देखिए, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन भी 60 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, इस हिसाब से ये पोर्शन भी 60 सेंटीमीटर हुआ। और आपको ये ऑलरेडी दिया हुआ भी है कि ये सिलेंडर की पूरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये डायमेंशंस आपको दी हुई है। इस सिलेंडर में सबसे पहले पानी भरा हुआ था, आपने ये सॉलिड डाला, पानी बाहर निकल गया। कितना पानी बाहर निकला? ऑब्वियसली जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम था उतना ही पानी बाहर निकल गया, अंदर पानी रह जाएगा। अब अंदर कितना पानी रह जाएगा? देखिए, अंदर उतना पानी रह जाएगा कि इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस इस सॉलिड का वॉल्यूम, तो मतलब सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप इस सॉलिड के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो वैल्यू आएगी उतना ही पानी इस सिलेंडर के अंदर रह जाएगा। तो हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर हमें इस कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर हमें इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दोनों ऐड कर देंगे तो सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा, और उस सॉलिड के वॉल्यूम को हम इस पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर है, उतना ही पानी इस सिलेंडर के अंदर रह जाएगा। शुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की जो हाइट है इसे मैं कैपिटल एच से डिनोट करता हूं, ये है 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की जो रेडियस है वो मैं स्मॉल आर से लेता हूं क्योंकि सिलेंडर की रेडियस, हेमिस्फीयर की रेडियस और कोन की रेडियस तीनों एक ही है, और वो है 60 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो बनेगा, इसे मैं V1 से डिनोट करता हूं, बनेगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है, एच हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं
वॉल्यूम ऑफ कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की रेडियस कितनी है, वही 60 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर। इसे मैं स्मॉल एस से डिनोट करता हूँ। कोन का वॉल्यूम मैं इसे V2 से डिनोट करता हूँ। ये इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। अभी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, यह मैं बाद में करूंगा। अब मैं कंसिडर करता हूँ हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम इसे मैं V3 से डिनोट करता हूँ और इसका फॉर्मूला होता है 2/3 πr³, जिसमें r है हेमिस्फीयर की रेडियस। तो सॉलिड का वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हुआ V2 + V3। इसे कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, V2 + V3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सब्ट्रैक्ट करना है। वो मुझे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इनसाइड द सिलेंडर। इसे मैं V से डिनोट करता हूं। तो V की वैल्यू, V है वॉल्यूम ऑफ वाटर जो सिलेंडर के अंदर रह गया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इट इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू है πr²h, ये कैपिटल H है, माइनस V2 1/3 πr²h प्लस V3, V3 है 2/3 πr³। सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा πr² कैपिटल H माइनस 1/3 πr²h माइनस 2/3 πr³। इन तीनों टर्म्स को ध्यान से देखिए, इन तीनों टर्म्स में आपको क्या क्या कॉमन मिलता है। आपको एक तो मिलता है कॉमन पाई मिलता है कॉमन, दूसरा आपको मिलेगा r² स्मॉल r², तो ठीक है कॉमन टर्म्स हम बाहर लिख लेते हैं, आउटसाइड द ब्रैकेट πr² इनसाइड द ब्रैकेट क्या रह जाएगा, कैपिटल H माइनस 1/3 × H एंड माइनस 2/3 r। अब आया है टाइम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने का, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। V इज इक्वल टू पाई, पाई की वैल्यू है 22/7। स्मॉल r बोले तो रेडियस, रेडियस तीनों की सेम है, कोन हेमिस्फीयर और सिलेंडर, और वो है 60। तो r² बन जाएगा 60 × 60। ब्रैकेट में h, कैपिटल H की वैल्यू है 180, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन माइनस 1/3 × स्मॉल h है 120, ये हाइट ऑफ द कोन 120 सेंटीमीटर, माइनस 2/3 वंस अगेन रेडियस, दैट इज 60। इसे कैलकुलेट करते हैं, ये बनता है 22/7, ये हो जाएगा 3600, 180, 3 × 4 = 12, तो ये बन जाएगा −40, 3 × 2 = 6, 20 × 2, ये भी −40। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज 22/7, 3600, 180 − 40 − 40, ये आपको मिलता है 100। तो इस तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज 22/7, 3600 और 100 का मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपको मिलता है सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये है सेंटीमीटर क्यूब में, इसे आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे, आप इसे 3 बार 100 से डिवाइड करोगे। क्यों, देखिए 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप 1 बार 100 से डिवाइड करते हो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप 2 बार 100 से डिवाइड करते हो। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आप 3 बार 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये मीटर क्यूब है। तो यहां पे भी हम ऐसा ही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई 100, और फिर ये 3 बार 100 से डिवाइड होगा और ये बन जाएगा मीटर क्यूब। देखिए ये 100 तो रिड्यूस हो गया, ये 100 इसके 2 जीरो यहाँ रिड्यूस हो गए, आपको ये मिला वॉल्यूम इज इक्वल टू 22/7 × 36 मल्टीप्लाइड बाई 1/100, ये आपको मिलता है 792 मल्टीप्लाइड बाई 36 792, और नीचे आपको मिलता है 700 मीटर क्यूब। आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको मिलेगा 1.1314
मीटर क्यूब। तो ये है 1.1314 मीटर क्यूब वाटर है जो सिलेंडर के अंदर बचा हुआ रह जाएगा।